क्या रे, सब के सब पागल हो गए हो का? एक बिहारी सब पे भारी, दर्पण भंडारी इतनी भारी हो गई, अंडा बंडा के लिए कि जिन्स लोग को उतार दिए दर्पण भंडारी को टारगेट करने के लिए। यार अंडा बंडा, तेरा ही औकात है, हम लोग को पता है तेरा औकात क्या है। तू अपने जो चिल्लर पाल्टी जो पाली हुई है तमाम भतार लोग को तो भेजी है दर्पण भंडारी को टारगेट करने के लिए। घंटा कुछ नहीं कर पाएगी अंडा बंडा, समझी ना? और तेरा ये जो टकला है, इतने जूते पड़ेंगे टकले पे कि बाल निकल आएंगे। दोस्तों, इसका टकला जो है पति, क्या बताए, नहीं सुधरेगा रे तू। हाँ, अरे तू है तेरी जिंदगी, तेरी इज्जत ही क्या है रे, दो कौड़ी के इंसान। तेरी क्या इज्जत, तेरी क्या इज्जत, तेरी क्या औकात, सबको पता है, समझा ना? तू यही कर सकता है। दर्पण भंडारी इतनी भारी पड़ गई कि जो भतार लोग पाले हैं सबको छोड़ दिए कि जाओ दर्पण भंडारी को टारगेट करो। जीत नहीं पा रही है बेचारी, ना परेशान हो। तो नमस्ते प्रणाम, मैं गरिमा स्वागत करती हूँ अपने नए ब्लॉग में। तो कैसे आप लोग, उम्मीद है अच्छे होंगे, जहाँ भी हो स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने कामों में व्यस्त रहे। दोस्तों, आज हम आए हैं छत पे वीडियो बनाने के लिए और इतनी हंसी आ रही है दोस्तों, क्या बताएं। एक बिहारी सब पे भारी, दर्पण भंडारी इतनी भारी पड़ गई है दोस्तों अंडा बंडा के लिए कि जितने थे, अरे क्या नाम था, मुच्छड़, एक टकला, एक चिमकांडी और आ गया। कुछ नहीं मिला था, सबको उतार दी है दर्पण भंडारी को टारगेट करने के लिए। तो सुन अंडा बंडा, घंटा कुछ नहीं कर पाएगी, समझी ना, तेरी वही औकात है, दो कौड़ी की इज्जत और दो कौड़ी की इंसान, क्या तेरी औकात है रे। तू जब अपने बच्चे हो, अपनी बेटी बच्चे को अपने पति की नहीं हुई छोड़कर भाग गया ये टकला के साथ में, और बात करती है आके। हाँ, ए चिमकांडी जो एक और आया है, क्या रे, अंडा बंडा का चाट लिया क्या, इतना मस्त हो गया है, अभी तक तो मुच्छड़ ही चाट रहा था और तू भी चाट लिया। ठीक है, तू अंडा बंडा का चाट और अपनी बहन को भेज दे टकला के पास में। दूसरे को अपशब्द से बोलता है क्यों, किसी को बोलना नहीं आता है। जब महिला आ जाएगी ना अपने आप पे तो भग जाएगा, बनता है बड़ा रोस्टिंग करने वाला। कितना तो रोस्टिंग करने वाला है रे, गोरखपुरिया के दुश्मन लोग गोरखपुरिया भाभी को टारगेट करते 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 अब आ गए हो दर्पण भंडारी पे टारगेट करने के लिए। गोरखपुरिया के जितने सपोर्टर है उसको टारगेट करो, क्योंकि गोरखपुरिया भाभी को टारगेट करोगे ना तो डाल देगी अच्छे से, इसीलिए नहीं कर पाओगे, नाम नहीं लोगे, क्योंकि डाल दी थी ना इसीलिए फट गया। तो अब आए हो गोरखपुरिया भाभी के सपोर्टर लोग को टारगेट करने के लिए, कुछ नहीं कर पाओगे, देखना क्या कर रही है दर्पण, सब पे भारी पड़ रही है, सबकी हवा लीकेज। ए भगवान, कहाँ कहाँ से ऐसे ऐसे चिमकांडी लोग आ जाते हैं, क्या करियो अंडा बंडा, कुछ नहीं कर पाओगी, बस यही धंधा चालू रखो, बस तेरी यही औकात है, तेरी औकात हम लोग को बहुत अच्छे से पता है, समझी। बोलती है, बोलता है तेरा टकलवा, दिल्ली की हो या फलनवा या ढमकवा, कहाँ कहाँ का नाम लेता है, इतने जूते पड़ेंगे ना, जो टकला है हरियाली आ जाएगी टकले में, समझा ना, नालायक गटर नाली के कीड़े, पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते चिमकांडी लोग, साले तमीज नहीं है बात करने के लिए। अपने घर में माँ बहन बेटे के साथ में ऐसे ही बोलता है, हाँ अपने घर में माँ बहन बेटी तो सबके घर में होती हैं, तो क्या इज्जत करता होगा रे। तो दूसरी के घर की बहन बहन बेटी को लिए ऐसे बोलता है तो अपने घर के क्या करता होगा। अब सही बात है, तू नहीं करता होगा, अगर तू करता ना दूसरे के घर के या अपने घर की बहन बेटी की इज्जत तो किसी के बीबी को भगा कर नहीं लेकर आता। बहुत मिर्ची लगेगी तुझे ये बात, सोचेगा कि मुझे कैसे पता, सब पता है बे, मुझे हर एक बात पता है मुझे, और बोलेगा ना तो सारा स्थिति खोल के रखेंगे, टेंशन ना ले। एक बिहारी सब पे भारी, एक बिहारी सब पे भारी,
फाड़ेगी बारी बारी एक बिहारी सब पे भारी फाड़ेगी भारी भारी बारी बारी सबको फाड़ेगी, टेंशन ना लो बेटा। चलिए दोस्तों, ये वीडियो मेरी कॉमेडी है, आप लोग देखिएगा, कॉमेडी करिएगा, कॉमेडी वीडियो हंसाने के लिए मैं वीडियो बनाई हूँ, तो आप लोग एंजॉय करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में।